सिविलाइज्ड इंडियन। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। 18 जुलाई 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजमर्रा के खान पान की चीजों पर जीएसटी इम्पोज कर दिया है, जैसे लस्सी, दही, पनीर, चावल, गेहूं, आटा, शहद, पापड़, मीट एंड फिश और अन्य सभी सीरियल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% का जीएसटी टैक्स इम्पोज किया है। अब भक्त तो मानने से रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि महंगाई देश हित में बढ़ाया गया एक सपोर्ट है, और अगर वे महंगा खरीदेंगे तो ये देश हित में बढ़ाया गया एक सपोर्ट का कदम होगा उनकी तरफ से। ऐसा मोदी राज में महंगाई काल चल रहा है या अमृत काल चल रहा है? हम तो कहेंगे अमृत काल चल रहा है। अच्छा, महंगाई तो हर राज्य में आती है। महंगाई तो बढ़ना, जैसे जैसे विकास होगा महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ना तो नॉर्मल है, महंगाई की कोई बात नहीं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लेकिन वही बीजेपी अर्थात रूलिंग पार्टी वाले जब रेवड़ी कल्चर से बाहर निकलकर खुद सामान खरीदने आते हैं तो उनकी खुद की हवा निकल जाती है दाम सुनकर। खैर, जनता तो बेवकूफ बनने के लिए ही बैठी है, इन लीडर्स का भी क्या कसूर। अब बीजेपी वाले महंगाई कम करेंगे या भक्तों को खतरे से बाहर निकालेंगे, इस विडंबना में बीजेपी वाले फंसे हुए हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वेल, वैसे खतरे से याद आया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन में खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उद्घाटन के 5 दिनों के बाद देश का पहला ऐसा पुल बना है जिसमें स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। न सिर्फ उस पुल पर गाड़ी चलेगी बल्कि आप उसमें नहा भी सकते हैं। ओह माय गॉड, क्या करते हो चूतिया अपन ने कर। लेकिन रोड टूटेगा तो गाड़ी खतरे में आएगी, भक्त तो आएंगे नहीं, तो बीजेपी वालों का रहा ना मास्टर स्ट्रोक। यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। रिबन काटो और निकलो, बीजेपी का यही कानून है। 2 दिनों पहले भारत को अपना नया संविधान का संरक्षक मिला है। भारत के इतिहास में पहली बार किसी को अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रपति भवन तक जाने का मौका मिला है। और ये यात्रा कब तक निकलेगी, किस तरीके से आप लोग निकालने वाले? ये तो घोषणा बाकी है, उसका इंतजार है, लेकिन जिस तरीके के निर्णय अभी तक सामने आए हैं, ये निश्चित है कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रधानमंत्री होने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रधानमंत्री होने जा रही है। समराइजिंग ऑल द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स आवर कंट्री फेसिंग थ्रू, एफटी अटल जी। काम करने के बजाय सरकार ने काम तमाम कर दिया है, देश की एकता खतरे में पड़ गई है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, नौकरशाही और पुलिस का राजनीतिकरण किया गया है, हर लोकतांत्रिक संस्था का अवमूल्यन हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच आई है, जजों के तबादले करने के अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, गवर्नरों को केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में प्रयुक्त कर प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों का तख्ता उल्टा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता पर नए अंकुश लगाने की कोशिश की गई है।